गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे मौर्य प्रशासन पे, चर्चा करेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पे, और देखेंगे कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में जो पारंपरिक दृष्टिकोण रहा है उस दृष्टिकोण में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। तो मौर्य प्रशासन को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, अगर हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो देखेंगे कि सैद्धांतिक पहलू देखेंगे, जाहिर सी बात है कि इसके ढांचा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौटिल्य के सिद्धांतों के अनुरूप हुआ। उसके बाद प्रशासनिक ढांचा देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था। प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ हम लोग इसी में ही कर प्रणाली, न्याय प्रणाली, इसकी चर्चा करेंगे। आज के ही क्लास में हम लोग अशोक के सुधारों की भी जरूरत करेंगे, अशोक के प्रशासनिक सुधार कैसे रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी बात करेंगे, और फिर प्रशासन का स्वरूप देखेंगे, प्रशासन का स्वरूप कैसा रहा, या सबसे पहले प्रशासन का स्वरूप पहले देख लेंगे और फिर अशोक का के प्रशासनिक सुधार देख लेंगे। लेकिन इतने पहलुओं के बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। वास्तव में जो अशोक मौर्य प्रशासन है उसकी जो नींव रखी गई वो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई। कौटिल्य के द्वारा जो प्रशासन का मॉडल रखा गया वो केंद्रीकृत प्रशासन था, या आप ये कह सकते हैं कि केंद्रीकृत प्रशासन का एक मॉडल रूप था। उसने अपने सिद्धांतों में ऐसे किसी भी प्रशासकीय अभिकरण के का उल्लेख नहीं किया है जो कि राजा की शक्ति को मर्यादित करे। यानी कौटिल्य का जो शासक है वो क्या है, सभी शक्तियों का मूल स्रोत है, है ना। और इसी संदर्भ में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सैद्धांतिक पक्षों की बात करें तो कौटिल्य ने राजा की स्थिति के संदर्भ में, राज्य और राजा की स्थिति में साप्तांग सिद्धांत दिया है। इस साप्तांग सिद्धांत की चर्चा हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र स्रोत वाले पार्ट में पहले ही वीडियो में कर दिया था, लेकिन आज यहाँ उसकी आवश्यकता है। तो हम लोग सबसे पहले साप्तांग सिद्धांत को देखेंगे कि कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत कैसे राजा को कूटस्थनीय बनाता है या राजा की स्थिति को मूल केंद्र में देखता है। जो कौटिल्य के अनुसार राजा के जो राज्य के जो अंग हैं, सात अंग हैं, राज यानी राजा, राजा आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात अंग हैं और ये एक क्रम से हैं। और वो कहता है कि हर एक अंग सबसे कम महत्वपूर्ण यह है, इससे दस गुना ज्यादा महत्वपूर्ण सेना है, सेना से दस गुना महत्वपूर्ण कोष है, कोष से दस गुना महत्वपूर्ण दुर्ग है, दुर्ग से जनपद, जनपद से आमात्य और आमात्य से राजा। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर आने अगला जो अंग है वो पिछले की तुलना में, यानी अगर आप इधर से देखें मित्र, जैसे ये पहला है तो बाद वाले पे आने वाला जो खतरा है पहले की तुलना में 1/10 कम होता चला जाएगा। यानी इस पूरे सिस्टम में राजा केंद्रीय स्तर पर है, एक तरह से राज्य के सातों अंगों की प्राथमिकता को भी आप उठा करके यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? तो एक तो साप्तांग सिद्धांत से ये बातें स्थित हो जाती हैं कि राजा जो है क्या है, सर्व प्रमुख है, मूल में उस पूरे सातों राज्यों में मूल में राजा है। अब आइए हम देखते हैं कि
जो प्रशासकीय ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो कैसे था? मौर्यकालीन प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है वो आप इस देखिए आपके सामने है यहाँ पे। और हम बात करें अगर तो राजा सर्व सभी शक्तियों का प्रमुख था, यानी प्रशासन में जितनी भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संबंधी जितनी भी क्या कहते हैं कि अंग हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों का प्रमुख जो स्रोत है वो कौन है? राजा है। और जब एक ही व्यक्ति के पास सारे क्या कहते हैं सारी शक्तियां रहेंगी तो निश्चित रूप से उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी। और ये मंत्रिपरिषद जो है वो एक बड़ी मंत्रिपरिषद होगी, बड़ी मंत्रिपरिषद, छोटी नहीं। केंद्रीकरण के अभिलक्षणों की अगर बात कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक अभिलक्षण यह भी होता है कि उसमें मंत्रिपरिषद की संख्या बड़ी होगी, यानी चूंकि राजा सारी प्रशासनिक शक्तियों का मूल केंद्र होगा, स्वयं वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने अधिकारों को क्या करेगा? मंत्रियों को देगा। अर्थशास्त्र में अगर आप देखोगे तो 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों की चर्चा है, यानी आपको यही आपको दिख रहा है 45 है ना, 45 अधिकारी। लेकिन राजा समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुरूप अन्य भी अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता था, और ये केंद्रीय स्तर के अधिकारी हैं। अभी राज्य स्तर के अधिकारियों की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। यानी एक चीज, दूसरी चीज आप जानते रहिएगा कि जब आप केंद्रीकृत शासन होगा तो निश्चित रूप से जो ब्यूरोक्रेसी होगी, जो अधिकारियों की संख्या होगी, ज्यादा होगी, संरचना थोड़ी जटिल होगी। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं, यह राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, चार प्रांत आपको दिखाई देंगे, पांच प्रांत, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, अवंती और कलिंगा, ये पांच प्रांत थे। और इनकी जो राजधानी थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ की प्राची की पाटलिपुत्र थी, अवंती की उज्जैनी थी, कलिंग की तोशली थी, क्लियर है? और यहाँ के जो अधिकारी हुआ करते थे, आप देखेंगे अधिकारियों के नाम अगर आप मिलेंगे तो आर्यपुत्र, या तो आर्यपुत्र का नाम मिलता है और या तो फिर प्रांतपति या प्रांत के जो प्रांत प्रमुख अधिकारी थे उनका नाम मिलता है, दो तरह के नाम मिलते हैं। तो वास्तव में आर्यपुत्र उनको कह दिया जाता था जो कि राज्य कर्मचारी हुआ, जो जो कि राज परिवार से संबंधित थे, अन्यथा जो प्रमुख अन्य अधिकारी थे उन्हें प्रांतपति या प्रांत प्रमुख ही कहा जाता था। प्रांत स्थानिक में बटा होता था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आजकल कुछ लोग लिखने लगे हैं कि प्रांत जो है मंडलों में और मंडल आहार में बटा हुआ था, ठीक है, वो इस आधार पर लिखते हैं कि प्रांत के आधार पर, प्रांत में भी जब आप प्रांतीय राजधानियों को देखेंगे तो वहां आप कुछ आदेश ऐसा पाएंगे कि उसके अंदर कुछ प्रशासकीय केंद्र हुआ करते थे, इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं, है ना। जैसे मालूम हुआ कि इसमें तोसली है, तोसली के अधीन एक है समापा है, समापा के भी अधिकारियों को आदेश दिया गया है, तो उसके आधार पर लोगों ने यह अनुमान लगाया कि मंडल या जिले स्तर पर भी बातें होंगी। लेकिन जो मुख्य विभाजन है वो ये है, प्रांत प्रांत के बाद स्थानिक का ही विभाजन है। तो हम यहां भले ही जब मेंस राइटिंग होगी तो लिख देंगे कि प्रांतीय स्तर पर भी अधीनस्थ इकाइयां, अधीनस्थ प्रशासकीय इकाइयां थीं, ये हम चर्चा कर देंगे, अधीनस्थ प्रशासकीय इकाइयां थीं, क्लियर है? यानी राजा राज्य प्रांत में बटा होता था, प्रांत की हम राजधानियों की चर्चा कर लेंगे और साथ ही साथ ये चर्चा करेंगे कि इन राजधानियों के अतिरिक्त हमें कुछ अधीनस्थ अधिकारियों की भी सूचनाएं मिलती हैं, है ना, अधीनस्थ प्रशासकीय केंद्रों की सूचना मिलती है। फिलहाल प्रांत स्थानिक में बटा होता था, एक स्थानिक में 800 गांव होते थे, एक लमसम अगर आप आइडिया देखेंगे तो 800 गांव पर एक स्थानिक होता था और उसका जो प्रमुख होता था वो होता था स्थानिक ही होता था, क्लियर है? नाम सेम, अधिकारियों का नाम वही है, तो यहां पे हम सर्किल कर दे रहे हैं, स्थानिक है। स्थानिक द्रोणमुखों में बटा होता था, एक स्थानिक में दो द्रोणमुख होते थे, प्रत्येक में 400 गांव होते थे और इसका जो अधिकारी था वो था द्रोणमुख था। खारवाटिक 200 गांव
का होता था, इसका भी प्रमुख खारवाटिक होता था। खारवाटिक के नीचे संग्रहण, संग्रहण के नीचे गांव होते थे। क्लियर है? तो ये आप ये कह सकते हैं कि मौर्य काल का प्रशासकीय ढांचा था। अब जरा समझिएगा, राजा क्या करता था? राजा की स्थिति यह थी कि प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति वो स्वयं करता था, यानी प्रांत की नियुक्ति तो करेगा ही करेगा, स्थानिक की भी नियुक्ति करेगा, द्रोणमुख की भी नियुक्ति करेगा, खारवाटिक की भी नियुक्ति करेगा, संग्राहक की, और ग्राम स्तर पर गोप की। ठीक है, ग्रामिक या गोप, गोप। अब आप जरा सोचिए, यानी राजा प्रत्येक पद पर प्रशासकीय नियंत्रण रखता था। इसका मतलब है कि केंद्रीकरण का मॉडल रूप आप कह सकते हैं कि राजा हर एक स्तर पर जो अधिकारी होते थे प्रत्यक्षतः उसके प्रति जिम्मेदार हुआ करते थे। क्लियर हो गया? यह प्रशासकीय ढांचा था। अगर आप इन प्रशासकीय यूनिट को अगर आप फिगर से देखें तो जरा देखिए क्या कंडीशन थी। ये दो फिगर है प्रशासन के को निरूपित करता हुआ, फिगर बी और फिगर सी। मान लीजिए ए हम मेन मान लेते हैं। इन दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? यहां पे आप देख रहे हैं राजा छोटे में है, उसके बाद प्रांत, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवाटिक, संग्राहक, ग्राम, और यहां पर राजा जो है सबसे लंबा दिखाया गया है, फिर ग्राम को सबसे छोटा दिखाया गया है। वास्तव में यह मौर्य प्रशासन को अभिव्यक्त करने के लिए मौर्य शासन के पदानुक्रमिक ढांचा को, मौर्य प्रशासन के हायरार्की को, पदानुक्रमिक ढांचे को अभिव्यक्त करने का यह तरीका है। पदानुक्रमिक ढांचा, बस विषय अलग अलग है, आइए देखते हैं कि क्या है। और आप जानते रहे कि जहां पर पदानुक्रम हो, सोपान निश्चित हो, वो भी केंद्रीकरण का एक प्रमुख अभिलक्षण होता है। यह जो है वो क्या है? यह प्रशासकीय संख्या के आधार पर है, प्रशासकीय विभाग की संख्या। कि अगर हम ये देखना चाहें कि प्रशासकीय विभागों की संख्या किस विभाग की संख्या ज्यादा थी, तो सबसे कम यानी एक जो थी वो क्या थी? राजा थी। और सबसे ज्यादा संख्या किसकी हो जाएगी? गांव की हो जाएगी। और यहां जो हमने दूसरा फिगर सी बनाया वो ये बनाया कि नियंत्रण क्षेत्र के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण क्षेत्र के आधार पर, यानी कि प्रशासन में किस पद का नियंत्रण का जो क्षेत्र है, जो स्पैन है, वो सबसे ज्यादा है। जाहिर सी बात है राजा का समस्त राज्य पे होगा और सबसे कम होगा गांव के स्तर पर। और ये दोनों बातें ये स्पष्ट करती हैं, जब आप आंसर राइटिंग में फिगर बना करके एक लाइन में लिख देने की जरूरत है तो ये बता दिया जाएगा कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य पद सोपानिक रूप से बटा हुआ था, है ना। और आपको बता दूं, यही नहीं वेतन में भी अंतर था। मिनिमम वेतन आप देखेंगे तो 10 पण का था, और वार्षिक, और अधिकतम वेतन जो था वो 48,000 पण का था। तो ये भी पद सोपानिक रचना को बताता है। और ये सारे लक्षण मौर्य प्रशासन में केंद्रीकृत शासन के लक्षण माने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो मौर्य प्रशासन के स्ट्रक्चर को आपने इन दो तीनों फिगर से क्लियर किया कि ये मौर्य प्रशासन का स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर पे कुछ मौलिक प्रश्नों की चर्चा करनी आवश्यक है। पहली चर्चा कि क्या मौर्य प्रशासन जो है, जो इस स्ट्रक्चर को देखने से लगता है कि क्या यह एक निरंकुश शासन था? क्या सारी शक्तियां अगर राजा से निकल रही हैं तो राजा तानाशाह था, है ना? नहीं, ये आप ध्यान में रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर के बावजूद भी हम राजा को निरंकुश शासन नहीं कह सकते। राजा निरंकुश नहीं था। राजा निरंकुश, एक एक पहलू को समझने की जरूरत है और फिर जैसा प्रश्न रहेगा वैसा हम लोग देखेंगे कि राजा निरंकुश नहीं था। क्यों नहीं निरंकुश था? क्योंकि ये सारी शक्तियां राजा को सिर्फ इसलिए दी गई थी कि राजा इस बात को समझ सके कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग जनता के हित के लिए करता था। क्लियर है? ये बातें कही जाती थी कि हित, कौटिल्य का एक बहुत ही
फेमस स्टेटमेंट है, आप समझ लीजिए, दो स्टेटमेंट से समझ जाएंगे। पहला वो बताता है कि सुकर्म वह नहीं जिससे कि राज्य का हित हो, सुकर्म वह नहीं जिससे राजा का हित हो। बल्कि किसमें है कि सुकर्म वह है जिसमें प्रजा का हित हो, सुकर्म वह है जिसमें प्रजा का हित हो। तो अगर कोई राजा प्रजा के हितों की बात करेगा तो निरंकुश नहीं हो सकता। क्लियर है, पहली चीज। दूसरी बात, कौटिल्य ने ही इस बात को कहा है कि जिस राजा के दर्शन जनता के लिए दूभर हो जाते हैं उसका पतन निश्चित हो जाता है। यानी यहां पे इस संपूर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि राजा जो है वो क्या है, जनता के हित के लिए है, जनता को केंद्रित है, जनता के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए हम इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कह सकते हैं कि वो निरंकुश नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। तो इस सिस्टम में पहला बिंदु तो आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त सवाल यह है कि जैसे ये आपका जो केंद्रीकृत शासन यहां दिखाई दिया, इस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए या इस स्ट्रक्चर को आगे विकसित करने के लिए या प्रभावी रूप से चलने के लिए अन्य इसके पहलुओं पर भी विचार करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि इसकी कर व्यवस्था कैसी थी, यानी मौर्य प्रशासन में कर व्यवस्था कैसी थी। जाहिर सी बात है इसका जो मॉडल और दिशा निर्देशक जो पहलू है वो क्या है, अर्थशास्त्र को हम लोग लेते हैं। और अगर अर्थशास्त्र को देखा जाए तो अर्थशास्त्र में आप देखेंगे कि लगभग 80 प्रकार के करों की चर्चा है और अधिकांश जो है इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। तो खैर अगर इन सारे करों को न भी वसूला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो कर था, टैक्सेशन सिस्टम था, वो कड़ा था। कुछ प्रमुख करों की चर्चा कर लेने की जरूरत रहती है, ज्यादा की नहीं। जैसे मान लीजिए भाग है ना, 1/6 से लेकर के 1/4 तक लिया जाता था, है ना। ये भूमि राजस्व कर था। वृष्टि था, वृष्टि की चर्चा कर लीजिए, ये बेगार था, है ना। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जैसे प्रणय आपात कर था, आपात कर, निष्क्राम्य, निष्क्राम्य निर्यात कर था, निर्यात कर। बलि जो है इस समय धार्मिक कर था। उसी तरह से कई डिवीजन था, राष्ट्र जो था वो गांव से राष्ट्र, गांव से लिया गया कर था जो प्राप्त होता था। दुर्ग शहरों से था, इस तरह का डिवीजन था, शहरों से लिया गया कर था, से कर था। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम में थोड़ी सी भी चर्चा करनी है। ये नहीं है कि आप सारे टैक्स को उठा करके लिख दे कि सर इतने कर थे। क्लियर है। तो निश्चित रूप से ये सारे कर टैक्सेशन व्यवस्था था और ये कर व्यवस्था इतनी थी कि कम से कम मौर्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में क्या थी, सक्षम थी। तो ये टैक्सेशन सिस्टम के संदर्भ में हो गया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कर व्यवस्था के साथ साथ अगर हम न्याय की व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था जो है कठोर दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज भी कहता है और कौटिल्य भी कहता है न्याय व्यवस्था में कठोर दंड दिया जाता है, कठोर दंड दिया जाता था। अगर आप देखें तो दो प्रकार के न्यायालयों की भी हल्की फुल्की चर्चा मिलती है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय, कंटक शोधन और प्रकीर्ण,
मान लीजिए अगर कभी आपको इन न्यायालयों के नाम नहीं याद आते हैं लिखने में, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो कंटक शोधन था वो फौजदारी मुकदमे देखे जाते थे, इसमें दीवानी या परिवार के मुकदमे देखे जाते थे, और प्रकीर्ण में जो जटिल थे या जो इन दोनों में नहीं आते थे उनको प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस में देख लिया जाता था। अगर नहीं आता है मान लीजिए तो क्या लिखना है, घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखना है कि मौर्य प्रशासन में जो है अपराध कम होते थे, जिसका मूल कारण यह था कठोर दंड व्यवस्था थी। तीन प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, फौजदारी, नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, कंटक शोधन फौजदारी, धर्मस्थीय यानी जो दीवानी मामले होते थे और परिवार मामले होते थे, और प्रकीर्ण जिसकी प्रकृति अपेक्षाकृत क्या होती थी, थोड़ी सी क्या कहते हैं कि जो नेचर था वो जटिल होता था, उसको हम लोग प्रकीर्ण में देख लेते थे। क्लियर है? तो ये आपका कर प्रशासन हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, अब राजस्व प्रशासन हमने आपको बताई दिया। अब आप स्पेशली जानते रहिएगा, एक पॉइंट सेगमेंट लिखिएगा जिसकी चर्चा हमने किया हुआ है कि मौर्यों में मौर्य नगर प्रशासन, म्यूनिसिपल नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। अब आप देखिए, जब हमने आपको मेगस्थनीज बताया था तब तो इस पर बहुत डिटेल बताया था, एक एक समिति का नाम बताया था, जाहिर सी बात है आप यहां उतना लिखने में नहीं लिख पाएंगे, तो आप सीधे लिख लीजिएगा कि मेगस्थनीज की इंडिका से ऐसा पता चलता है कि मौर्यों के समय में नगर प्रशासन और सैनिक प्रशासन विकसित था एवं विशिष्ट था, और ये दोनों प्रशासन पांच सदस्यों की छह समितियों के द्वारा होता था। इतना ही पर्याप्त होगा यहां पे लिखना, पांच सदस्य गुणे छह समिति, है ना, क्योंकि सब चीज आपको एक वर्ड लिमिट के अंदर रखना है। तो प्रशासन के पहलुओं की अगर चर्चा करें, केवल प्रशासनिक ढांचे की बात करें कि मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचे का निरूपण करें या प्रशासनिक विशेषताओं को बताएं, तो आपको कम से कम स्ट्रक्चर लिखना होगा, हल्का फुल्का साप्तांग और सैद्धांतिक पहलू लिखना होगा, है ना, तो वहां पर ज्यादा गुंजाइश नहीं बनेगी, इसलिए इतना ही अगर यहां पर लिख देंगे तो वो पर्याप्त हो जाएगा। तो श्योर हो गया, आपने क्या देखा, सैद्धांतिक पहलू देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, क्लियर है, और फिर स्ट्रक्चर देखने के साथ साथ आपने ये देखा कि सैन्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन कैसा था। अब सवाल इस बात का है कि इस प्रशासन में अशोक ने क्या सुधार किए, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, अशोक के प्रशासनिक सुधार को देख लेते हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इस मौर्य प्रशासन का स्वरूप कैसा था, स्वरूप वाले पहलू पर आएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो स्थापित मौर्य प्रशासन था उसमें अशोक के क्या सुधार थे, अशोक के प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अशोक के प्रशासनिक सुधार। सबसे बड़ी बात एक तो आप यही कहेंगे कि सर अशोक के को प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्लियर है, तो आवश्यकता क्यों, पहला दिमाग में आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है, और दूसरी क्या किए गए। तो वास्तव में जब आप प्रशासनिक ढांचे को देखें तो आप देखेंगे कि पहली बात तो हम याद रखेंगे कि आवश्यकता ही क्यों पड़ी, और दूसरी बात ये देखेंगे कि इसे में कौन कौन से सुधार प्रस्तावित किए गए, सुधार क्या थे, ये दो पहलुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। श्योर, अब आइए बात करें, जैसे आवश्यकता क्यों पड़ी, आप देख रहे हैं कि खुद यह जो प्रशासन था वो क्या था, कठोर प्रशासन था, और वैसे भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था वो रक्त एवं लौह की नीति के आधार पर था, सैन्य शक्ति के आधार पर था, और अशोक के समय से उसकी अपेक्षाएं बदल गई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के दृष्टिकोण में भी अंतर था, और जाहिर सी बात है कि जब
प्रशासनिक दृष्टिकोण में अंतर हो, व्यक्तित्व में अंतर हो, तो यह अपेक्षित हो जाता है कि प्रशासन में क्या किया जाए कि परिवर्तन किया जाए। आपने देखा कि बिंदुसार के समय तक विद्रोह भी होने लगे थे प्रशासन में। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए अशोक ने कुछ प्रशासन में सुधार किए। वो कौन कौन से सुधार प्रस्तावित थे उसको बिंदुवार जानना जरूरी है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रशासकीय सुधार थे। सबसे पहली बात आप देखेंगे कि उसने मंत्रिपरिषद की शक्ति में, आप देखेंगे कि मौर्य प्रशासन में सारी की सारी जो शक्ति थी वो किसको दी गई थी, राजा के पास थी, है ना। इसने क्या किया कि थोड़ी सी शक्ति मंत्रिपरिषद की बढ़ाई, कि मंत्रिपरिषद की शक्ति में वृद्धि किया, मंत्रिपरिषद के शक्ति में वृद्धि किया। हालांकि मंत्रिपरिषद अब भी सलाहकारी थी, लेकिन अशोक ने यह दिशा निर्देश दिया कि अगर किसी प्रश्न पर मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद के सदस्यों में, अगर किसी प्रश्न पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों में कोई मतभेद है लागू करने में, तो उसकी तुरंत सूचना जो है राजा को दी जाए, सूचना राजा की दी जाए। तो निश्चित रूप से अब मंत्रिपरिषद केवल सलाहकारी संस्था नहीं रह गई, बल्कि उसमें कुछ अधिकार भी दे दिए गए कि वह चाहे तो भेज सकती है सुधारों को, कि या कहीं विवाद है तो उसे प्रस्ताव के रूप में भेजा जा सकता है। पहला सुधार तो यह किया और यह अच्छा भी सुधार माना जाएगा। दूसरा सवाल आप देखेंगे कि कुछ मौर्य प्रशासन में सबसे सर्वोच्च जो अधिकारी होगा, जब आप तीर्थों की बात करेंगे तो उसमें पुरोहित का नाम आता है ना। लेकिन इसने थोड़ी सी पुरोहित की सत्ता में कमी की, और पुरोहित की सत्ता में कमी करके आप ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की शक्ति में वृद्धि किया था, तो पुरोहित की शक्ति में कमी हुई, तो व्यक्ति की जगह पे संस्थागत प्रभाव आप इसमें दिखाई देता है। तीसरी चीज प्रशासन में आप देखेंगे कि इसने धम्म नीति लाई। धम्म नीति पर हमने पिछली क्लास में विस्तृत चर्चा किया है। यहां पे आपको लिखना है कि धम्म नीति जो है अशोक के प्रशासन की आप ये कह सकते हैं कि मूल आत्मा थी, है ना। और धम्म नीति के माध्यम से उसने क्या किया कि जो पारंपरिक नीति थी उस सारी पारंपरिक नीति को क्या किया, बदल दिया, भेरी घोष की नीति को बदल दिया, और इस धम्म की नीति में साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पर बल दिया गया, क्लियर है। और निश्चित रूप से अब तक अहिंसा का जो विचार उपनिषदों के समय से चला आ रहा था, या बौद्धों और जैनों के समय से चला आ रहा था, वो राजनीति में नहीं यूज होता था। आप देखिए बिंबसार थे, बिंदुसार थे, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को माना, या जैन धर्म को मानने वाले शासक भी अपने सामाजिक जीवन में भले धार्मिक नीति के रूप में मानते थे, किसको, पॉलिसी को, अहिंसा की पॉलिसी को मानते थे, लेकिन अशोक ने क्या किया कि इसे राजनीति के क्षेत्र में भी लागू किया। तो धम्म की नीति का ये पहलू आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि धम्म नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, न केवल आंतरिक मामलों में बल्कि बाह्य मामलों में भी धम्म नीति को प्राइमा फोकस में रखा गया। तो आप ये कह सकते हैं कि धम्म नीति जो है वो क्या थी कि एक तरह से अशोक के प्रशासकीय सुधारों का केंद्र बिंदु रह गई। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा अशोक जो है, कुछ प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति अभिलेखों से पता चलता है, कुछ प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति। आप जानते हैं कि एक तो यही सुधार हो जाएगा कि कम से कम उसने एक पॉइंट, तो आप इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए जो भी है चौथा पांचवा देख लीजिएगा, हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं कि कुछ उसने प्रशासकीय नीतियों को जनता के समक्ष संबोधित करके अभिलेखों, लिपियों के द्वारा व्यापक स्तर पर खुदवाया। यह भी एक प्रशासकीय सुधार आप कह सकते हैं, या प्रशासकीय नीति में परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि राजा जनता को संबोधित करता हुआ अभिलेख जो है लगाया हुआ था, क्लियर है। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ हमें अधिकारियों की बातें मिलती हैं, और निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे धम्म महामात्र की नाम मिलती है, धम्म महामात्र, जाहिर सी बात है सभी धर्मों में
सामंजस्य स्थापित करना इसका काम था। एक नाम मिलता है प्रतिवेदक। प्रतिवेदक का काम यह था कि वो जनता की समस्या राजा को देता था, जनता की समस्या राजा को पहुंचाता था। और बताएं आपको, इस बारे में अशोक ने क्लियर गाइडलाइन दे दिया था, मिलता है अभिलेखों में, कि कहता है कि मैं चाहे व्यक्तिगत कार्य क्यों न कर रहा हूं, अगर जनता के हित से संबंधित अगर कोई भी सूचना है, कोई भी प्रश्न है, तो प्रतिवेदक हमारे पास क्या करें, इसे तुरंत पहुंचाएं। अब आप जरा देखिए अशोक के अभिलेख की यह बात, कौटिल्य की जो लेख है उसकी बात, और प्लस मेगस्थनीस की बात, इन तीनों में साम्यता है कि मौर्य कालीन जो शासक हैं वो किस तरह से जनता के हितों के लिए क्या रहते थे, समर्पित रहते थे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे युक्तक का नाम मिलता है, युक्तक, रज्जुक, बहुत सारे अधिकारी हैं, सबको जरूरी नहीं है लिख देना, लेकिन कम से कम इन तीन चार अधिकारियों का नाम तो लिखना बहुत जरूरी है, खास करके रज्जुक का नाम, प्रतिवेदक का नाम और धम्म महामात्र, ये तीन भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। रज्जुक मुख्यतः मापन का कार्य करते थे और रज्जुक पे अशोक का इतना भरोसा था कि उसने कहा कि हमने प्रशासनिक कार्यों को रज्जुकों को सौंप करके मैं निश्चिंत हो गया हूं। क्लियर है? तो ये इन प्रमुख अधिकारियों की भी नियुक्ति किया, निश्चित रूप से प्रशासकीय कुशलता को बढ़ाने के लिए, उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए इसने किया। श्योर, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कुछ अधिकारियों को जो नियुक्त किया, अधिकारियों को इसने यह आदेश दिया कि वो प्रत्येक 5 वर्ष पर जनता के बीच में जाएं। बहुत अच्छी बात थी ये, 5 वर्ष पे जनता के बीच में जाएं। जाहिर सी बात है धम्म की नीति का प्रचार तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्थानीय स्तर पर जनता का शोषण हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है, अगर किसी जनता को गलत दंड मिला हुआ है, तो वो चाहे तो अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए उसे माफ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमनिस्टिक टच है वो निश्चित रूप से दिया गया, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा दिया गया। इसी संदर्भ में आपको एक और बिंदु जानने की जरूरत है कि उसने मृत्युदंड को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है उसे कम से कम 3 दिन की मोहलत दे दी जाए, और 3 दिन की मोहलत इसलिए दिया जाए कि इस जीवन में भले ही उसे क्या किया गया हो, इस जीवन में भले ही गलत कार्य करने की वजह से मृत्युदंड दे दिया गया हो, लेकिन कम से कम वो अपना पारलौकिक जीवन जो है वो क्या हो सके, बना सके। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि इस प्रशासकीय के जो सुधारों के द्वारा, जो मौर्य प्रशासन की जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो कठोरता थी, उसे काफी हद तक दबाने का प्रयास किया गया, कम करने का प्रयास किया गया। उसने लोकोपकारी कार्य भी किया था, इस बिंदु को भी लिखना चाहिए कि लोकोपकारी कार्य किया है, हालांकि धम्म नीति में आपने टच कर लिया, लेकिन फिर भी अलग से लिख दोगे तो अच्छी बात है ना, लोकोपकारी कार्य किया। और एक अवधारणा भी दिया था कि समस्त जनता हमारी प्रजा संताने हैं, तो पितृ सत्तात्मक अप्रोच दिया किसने, अशोक ने दिया। तो निश्चित रूप से इन प्रशासकीय सुधारों से अशोक ने क्या किया कि मौर्य प्रशासन को एक तरह से मानवीय या ह्यूमनिस्टिक टच देने का प्रयास किया। क्लियर है? अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे कि क्या मौर्य प्रशासन का स्वरूप क्या था। आइए स्वरूप के विभिन्न पहलुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। मौर्य प्रशासन का स्वरूप, मौर्य प्रशासन का स्वरूप, जाहिर सी बात है कई पहलू हैं। पहली बात कि क्या यह निरंकुश था, हमने आपको बताया कि निरंकुश नहीं था। क्यों निरंकुश नहीं था? क्योंकि राजा प्रजा के हितों की बात करता था।
और अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं न केवल कौटिल्य बल्कि मेगस्थनीज और अशोक के अभिलेखों से भी यह संकेत मिलता है कि राजा सदैव जनता के हितों के लिए क्या रहता था, जनता के हितों के लिए वो जिम्मेदार रहता था या जनता के हितों के प्रति समर्पित रहता था। दूसरी बात ये कि क्या मौर्य प्रशासन जो है कल्याणकारी था, बड़ा कठिन है लिखना कल्याणकारी था या नहीं था। देखिए अगर हम अशोक के अभिलेखों को उठा करके देखते हैं या जो कौटिल्य के दिशा निर्देश हैं राजा के प्रति, दो पहलू हैं इसके निश्चित रूप से। पहले पहलू की हम बात करेंगे कि कहां तक ये कल्याणकारी था, उस पहलू की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो कौटिल्य के निर्देश हैं, कौटिल्य का निर्देश क्या है कि प्रजाहित में कार्य करे, प्रजाहित में शासक कार्य करे, यही तो है कि सुकर्म वह नहीं है जिससे कि राजा का हित हो बल्कि सुकर्म वह है जिससे कि प्रजा का हित हो, यही तो है। तो अगर राजा प्रजा के लिए कार्य करता है तो निश्चित रूप से प्रशासन को कल्याणकारी होना चाहिए, श्योर। उसी तरह से अशोक ने सीधे कहा, अशोक का तो आपको कई बातें कह सकते हैं कि जो लोकोपकारी कार्य करवाना, कुएं खुदवाना, अस्पताल बनवाना, ये जनकल्याणकारी ही तो थे। अशोक सीधे कहता है कि सभी प्रजा हमारी संतानें हैं, तो जो अगर पितृसत्तात्मक टच देगा, कोई भी व्यक्ति अपने प्रजा का या अपनी संतान का हित थोड़ी चाहेगा, तो अगर राजा प्रजा को संतान की तरह से देखता है तो निश्चित रूप से वह प्रशासन जो होगा वो क्या होगा, कल्याणकारी होगा। तो इस नजरिए से अगर हम देखें, सैद्धांतिक नजरिए से देखें, तो मौर्य प्रशासन आपको कल्याणकारी दिखाई देगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो वैज्ञानिक तरीका है, उस वैज्ञानिक तरीके को अगर आप लोग देखते हो तो जरा समझिए कि अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें, आपने देखा कि अभी जो टैक्सेशन का सिस्टम था 80% तक कर लिया जा रहा है। अब आप बताइए 80 प्रकार के कर रहे हैं, मान लीजिए 50, 60, 70, 80 कर लीजिए, मान लीजिए इतने कर अगर लिए जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इतना कर देने के बाद अगर आपकी जो इनकम है, आप 10% 20% इनकम ना देना पड़े, इसके लिए सारी बुद्धि लगा लेते हैं कि इसको ऐसे इन्वेस्ट कर दें, इसको यहाँ कर दें, यहाँ लोन ले लें, ना कर देना पड़े। लेकिन अगर आपकी मेहनत से की गई इनकम को 50 से 60% कोई टैक्स ले ले तो क्या वो व्यवस्था कल्याणकारी हो सकती है? एकदम नहीं हो सकती है, क्लियर है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इसी बिंदु पे लगेगा कि हाई टैक्सेशन होता था और हाई टैक्सेशन की वजह से जनता के कल्याण की एक अपनी सीमाएं होती थी, तो निश्चित रूप से कर व्यवस्था की बात आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए दंड व्यवस्था देख लीजिए, तो अगर कठोर दंड व्यवस्था रहती है तो निश्चित रूप से आज के सिस्टम में आपको कठोर दंड व्यवस्था अगर कर दिया जाए तो क्या वो प्रगतिशील या कल्याणकारी राज्य माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। आपको बताऊं, भारत में कसाब को भी फांसी देने के लिए जो है 1 साल 1.5 साल की प्रक्रिया अपनाई गई, राइट। और वैश्विक न्याय बिरादरी में इस बात की प्रशंसा हुई कि एक आतंकवादी व्यक्ति को भी पूरा मौका दिया गया, इवन पाकिस्तान तक के लायर आए गए, भारत के लायर ने उसके पक्ष की बात रखी, और इससे बढ़िया न्याय की सुचिता क्या हो सकती है? क्या मौर्य प्रशासन में भी यह संभव हो सकता? मौर्य प्रशासन में सीधे बात कही गई थी कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति राज्य के हित के अगेंस्ट काम कर रहा है, बस हाथी के पैर के नीचे कुचल दीजिए, मामला खत्म, 1 मिनट के अंदर न्याय हो जाएगा। आज भी ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां पर कठोर न्याय व्यवस्था है, और उस कठोर न्याय व्यवस्था का हम लोग लोकतांत्रिक देश जो है उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो कठोर न्याय व्यवस्था थी, तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के बीच का मार्ग हम यही कहेंगे कि भले ही मौर्य साम्राज्य का जो रुख रहा हो, मौर्य साम्राज्य का जो रुख था वो भले ही कल्याणकारी रहा हो, लेकिन तत्कालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में उच्च कर के कारण और कठोर न्याय व्यवस्था के कारण इस कल्याणकारी राज्य की एक अपनी सीमाएं थीं।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। तो इस पर ऐसे एक एक सेगमेंट को उठा करके टच करा के पूछेगा। अभी हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन की चर्चा करेंगे तो बताएंगे इसको कि किस तरह से सवाल पूछे गए हुए हैं। तो सीधे पूछा जाएगा कि क्या मौर्य प्रशासन कल्याणकारी था, तो हम इन दो एस्पेक्ट को उठा करके लिखेंगे और निष्कर्ष में बताएंगे कि वास्तव में मौर्य प्रशासन के कल्याणकारी होने की एक अपनी सीमा थी, लिमिटेशन थी, क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था में इससे ज्यादा कल्याणकारी हो नहीं सकता था। क्लियर है? तो इस पहलू को हम इस वे में कंक्लूड करेंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं इसके के केंद्रीकृत शासन। जाहिर सी बात है, अभी तक अगर आप बात करें तो केंद्रीकृत शासन के पक्ष में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। समझिए, मौर्य प्रशासन में अगर केंद्रीकृत के तत्व, केंद्रीकरण के तत्वों को खोजा जाए तो आसान है इस बात को लिखना कि राजा का केंद्र बिंदु होना। आपने देखा कि सारे शक्तियों का, अभी स्ट्रक्चर में देखा कि प्रत्येक पद पर, प्रत्येक लेवल पे राजा स्वयं अधिकारियों की नियुक्ति करता था, तो ऐसे कंडीशन में राजा का केंद्र बिंदु होना आप ये देख सकते हैं। बड़ी मंत्रिपरिषद होना, बड़ी मंत्रिपरिषद होना, अधिकारियों का राजा के प्रति जिम्मेदार होना, राजा के प्रति सीधे जिम्मेदार होना, पद सोपान, हायरार्की, है ना? वेतन में भी आप कह सकते हैं कि वेतन में अंतर पद सोपानिक रूप से। तो ये सारे तत्व ऐसे हैं जो इस बात को बताते हैं कि मौर्यकालीन जो प्रशासन है वो क्या है, कि वह एक केंद्रीकृत प्रशासन था। लेकिन आपको बताऊं, इस पे एक शोध आया, दो शोध आया 2000 के दशक में। एक शोध आया एस बेंगोल्ड लेविन और फुशमैन। आपको बताऊं, 2000-2001 के संदर्भ में इन दो विद्वानों का मत आया और इन दोनों ने अलग अलग कारकों से, अलग अलग तर्कों के द्वारा बताया कि मौर्यकालीन केंद्रीकृत शासन नहीं था, बल्कि इसमें विकेंद्रीकरण के तत्व क्या थे, मौजूद थे। क्या तर्क था इनका? एस बेंगोल्ड लेविन साहब की बात यह थी, इनका यह कहना था कि जो भौगोलिक दूरी थी, बात समझिए, जो भौगोलिक विस्तार था, भौगोलिक विस्तार की एवं यातायात व्यवस्था के तत्कालीन संदर्भ में केंद्रीकरण संभव नहीं था। बात समझिए, संभव नहीं था। मालूम हुआ कि पाटलिपुत्र से उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र पे अगर आपको जाना है और यातायात की व्यवस्था क्या है, फ्लाइट नहीं है और ना वंदे भारत जैसी ट्रेन है, आपको जाना है घोड़े से, बैलगाड़ी से, 6 महीने 8 महीने लग जाएगा। तब तक क्या जो आक्रांता होगा वो शांत बैठा रहेगा? नहीं। इसका मतलब है कि आपको उत्तरी पश्चिमी जो तक्षशिला का पार्ट है उस, वहां पे आपको एक सशक्त व्यवस्था रखनी होगी। और अगर कोई अधिकारी जो कि इतना शक्तिशाली है कि जो विदेशी आक्रमणों को भी झेल सकता है, तो निश्चित रूप से वह आपकी बात नहीं मानेगा, वह अपने निर्णयों को लागू करने का प्रयास करेगा। तो दूरी के हिसाब से उन्होंने बताया कि भारत में कभी भी यातायात की कंडीशन ही ऐसा नहीं था कि उच्च लेवल का केंद्रीकरण स्थापित किया जा सके, इसलिए इन परंपराओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौटिल्य के प्रशासन में मुख्यतः, अरे
मौर्य प्रशासन में मुख्यतः लोगों ने कौटिल्य और मेगस्थनीस को कोट किया है, वास्तव में अभिलेखों पर ध्यान दिया जाता तो शायद इस तरह की बातों को आप समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीयकरण था तो जाहिर सी बात है भाषा के स्तर पर केंद्रीयकरण दिखना चाहिए। अशोक के अभिलेख जो हैं वो क्षेत्रीय, अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के लेख क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। जाहिर सी बात है क्षेत्रीय परंपराओं को क्षेत्रीय लिपियों में है, भाषाओं में लिख सकते हो, क्षेत्रीय भाषा लिपियों में है, तो निश्चित रूप से यह स्थानीयकरण की बात करते हैं। और अगर आप स्थानीय प्रवृत्ति की बात करोगे तो निश्चित रूप से विकेंद्रीकरण की तरफ संकेत करता है ना। उन्होंने खुद कहा कि आप देखिए कहीं प्रांतपति कहा जाता था तो कहीं आर्यपुत्र कहा जाता था। तो अशोक के अभिलेख इस बात को बताते हैं कि क्षेत्रीय परंपराओं का प्रयोग किया जाता था, यानी विकेंद्रीकरण के लक्ष्य जरूर थे। और आगे चल करके फुशमैन साहब ने भी इसमें एक बात जोड़ी कि जो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता थी, अगर सांस्कृतिक परंपराओं को शामिल करना है, परंपराओं को प्रशासन में शामिल किया करना जरूरी है, और इन परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसे शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से केंद्रीकृत हो ही नहीं सकता है, विकेंद्रीकरण के तत्व जरूर होंगे। क्लियर है। और आपको बताऊं कि इस एस बेंगोल्ड लेविन और फुशमैन के जो तर्क थे उस तर्कों में काफी दम था। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि रोमिला थापर ने, जो कि केंद्रीकरण की जबरदस्त समर्थक थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मौर्या रिविजिटेड, और मौर्या रिविजिटेड में उन्होंने इन तर्कों को बात को मानते हुए मौर्य प्रशासन की प्रकृति को एक अलग संदर्भ दिया। और उन्होंने कहा कि जो मौर्यकालीन प्रशासन था, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मौर्यकालीन प्रशासन केंद्रीकरण की तरफ झुका हुआ था, तो इसमें किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य रहेगा वो चाहेगा क्या, केंद्रीकरण चाहेगा। तो इनका ये कहना था कि इस प्रशासन को दो भागों में, तीन भागों में बांटिए। पहला एरिया जो राजधानी के आसपास था, ये कोर सेक्टर था। पहला जो सेक्टर था वो क्या था, कोर सेक्टर था। और कोर सेक्टर में इन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय केंद्रीकरण था, और यह स्वाभाविक भी है कि इन क्षेत्रों में क्या हो कि इन क्षेत्रों में राजा जो प्रशासन हो वो सब राजा के प्रत्यक्ष उस पे हो। दूसरा इन्होंने बताया कि कोर सेक्टर के साथ साथ ये जो एरिया था, इससे सटा हुआ, आप देख रहे हैं ये क्रिसेंट्रल एरिया, ये क्या था, क्रिसेंट्रल एरिया की कंडीशन ये थी कि यह अर्ध स्वायत्त था, यानी केंद्रीकरण था लेकिन कोर सेक्टर की तुलना में अब थोड़ा सा कम था। और अंतिम स्तर पे उन्होंने बताया कि जो बाह्य एरिया था वो बाह्य क्रिसेंट, आउटर क्रिसेंट एरिया था, जिसमें सौराष्ट्र थे, आउटर क्रिसेंट ये लगभग स्वायत्त थे, बता रहा हूं इसकी भी हिंदी भी बता दूं, ये स्वायत्त थे, जैसे तक्षशिला था और सौराष्ट्र का क्षेत्र था। क्लियर है। कोर सेक्टर, इसको तो कोर ही लिख लीजिए, कोर सेक्टर, अर्ध चंद्राकार क्षेत्र, हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है ही है, और
वहिर चंद्राकार क्षेत्र, चंद्रमा और चंद्राकार क्षेत्र कहने से बढ़िया बढ़िया यही है कि कोर सेक्टर, क्रिसेंट्रल एरिया और आउटर क्रिसेंट्रल एरिया। और उन्होंने ये बताया कि वास्तव में मौर्य प्रशासन की अगर प्रकृति को समझना है तो निश्चित रूप से इसको जानने की जरूरत है। तीन स्तर पे था, लेवल 1, 2 और 3। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मौर्य प्रशासन का जो झुकाव था वो क्या था, वो केंद्रीकरण की तरफ था। श्योर राइट? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं और कल की क्लास में हम लोग फिर मौर्य साम्राज्य के पतन और विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।